नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली से लेकर आसाम तक हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कई इलाकों में भी प्रदर्शन हुआ। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिला के सीलमपुर का इलाका, यहाँ ठीक उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ जहाँ मंगलवार को लगभग 2000 से ज़्यादा की भीड़ सड़कों पर उतर आई और सरेआम कोहराम मचाया। सीलमपुर का ये पुलिस बूथ आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये जो पुलिस बूथ है, इस पर एक सिलापट लगा हुआ है, उसे मैं दिखाना चाहता हूँ। एक नाम है, वो नाम है अब्दुल कलाम। जी हाँ, इस नाम को देखकर और सुनकर ही ज़रूर अमन और शांति की जो भावना है भीतर आती है। भले ही ये नाम अभी जो है किसी दुकानदार का है, लेकिन ये नाम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति का भी रहा और अमन और चैन का पैगाम उन्होंने हमेशा दिया। लेकिन सीलमपुर का इलाका आपको हम दिखा रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन हुआ। जितनी भी गाड़ियां आ जा रही थी, युवक जो हैं उस पर पथराव कर रहे थे। कई पुलिस वाले जो हैं घायल हुए, यहां तक कि इस पुलिस बूथ को भी आग के हवाले कर दिया गया। ठीक भीतर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है। एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल की ड्यूटी यहाँ पर रहती है और इसे भी आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया। जो पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद थे वो भी बुरी तरह से घायल यहाँ पर बताए जा रहे हैं। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तमाम आप तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो जो मेरी बैरिकेड है, इसे भी आग के हवाले करने की कोशिश की गई। ये जो सीलमपुर का जो पूरा इलाका है, आपको बता दें कि ये भी मार्केट हब है। यहाँ पर कपड़ों का व्यापार यहाँ पर होता है और यहाँ से दूर दूर तक कपड़ों की सप्लाई यहाँ पर की जाती है। मुस्लिम बहुल इलाका है और इस प्रदर्शन को लेकर उपद्रवी तत्व भी सड़कों पर उतर आए और सरकारी संपत्ति को भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया है। पुलिस की तरफ से बार बार ये अनुरोध किया जा रहा है, अपील किया जा रहा है कि वो कानून को अपने हाथों में ना लें, हिंसक प्रदर्शन ना करें। इस दौरान जब प्रदर्शन हो रहा था तो मेट्रो के तमाम जो सीलमपुर के आसपास के तमाम जो मेट्रो स्टेशन है उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति सीलमपुर की नियंत्रण में है। गाड़ियों की आवाजाही हो रही है और पुलिस व्यवस्था यहाँ पर है। पुलिस लगातार यहाँ पर गश्त भी कर रही है। दिल्ली के सीलमपुर से कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।